हमारे YouTube चैनल रिएक्शन मेकर्स में ये है पारस और मैं हूँ ट्विंकल। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था घरों के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जिद्दी घर मालिक के बारे में। तो आपको बहुत मजा आएगा, ऐसे 5 घर मालिक जो अपना घर हटवाने में या तो फिर ट्रांसफर करने में एग्री नहीं होते हैं। पूरा वीडियो तो हमने नहीं देखा, सिर्फ डाउनलोड किया है और यहाँ आपके साथ रिएक्शन देंगे और पूरा वीडियो का आनंद उठाएंगे। तो आपको ऐसा भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि ऐसे 5 कौन से व्यक्ति हैं जो इतने जिद्दी हैं। और इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधा हम आते हैं अपने इस वीडियो पे, जिसका नाम है सबसे जिद्दी घर के मालिक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपने घर को बेचना वाकई एक मुश्किल काम है, हो ना हो हम अपने घर से इमोशनली जुड़ चुके होते हैं। और आज मैं आपको ऐसे ही जिद्दी मालिकों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने अलग अलग कारणों की वजह से अपना घर नहीं छोड़ा। नंबर 5, ऑस्टिन स्प्रिग्स। डाउनटाउन वॉशिंगटन में जब प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे थे, तब ऑस्टिन स्प्रिग्स नामक व्यक्ति के पास एक घर था जिसको बिल्डर्स खरीदना चाहते थे और वो उस घर को तोड़कर वहां ऑफिस बिल्डिंग्स बनाने की तैयारी में थे। इसके बदले बिल्डर्स ने ऑस्टिन को मिलियंस ऑफ डॉलर का ऑफर दिया। ये बात 1980 दशक की है, लेकिन उस समय भी ऑस्टिन ने अपनी संपत्ति बेचने से मना कर दिया और उसके कुछ साल बाद ऑस्टिन ने वहां एक पिज्जा पार्लर बनाने की ठानी। जब इस जगह पर प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे थे, तब ऑस्टिन ने मना किया और इस बात की चर्चा पूरे वॉशिंगटन में हुई। ये सब होने के 4 साल बाद ऑस्टिन के चारों ओर बिल्डिंग्स बनाने का काम शुरू हुआ, तो ऑस्टिन का घर 3 तरफ से पूरी तरह से ढक गया। पिज्जा पार्लर कभी नहीं खोला गया और परेशान होकर ऑस्टिन ने अपना घर बेचने की सोची, जिसका रेट अब उसने $1.5 मिलियन रखा। ये कीमत उसकी आधी थी जो उसे पहले बिल्डर दे रहे थे और 2011 में उन्होंने $7.5 लाख में अपना घर बेच दिया। नंबर 4, यांग। पहली बार देखने पर हमें लग सकता है कि इस घर के चारों ओर बॉम्ब ब्लास्ट किया होगा जिसमें ये घर बच गया, लेकिन ये 3 मंजिला घर चाइना के यिशाई एरिया में बना हुआ घर है जिसने इसके आसपास होने वाली डेवलपमेंट पर रोक लगाई। बिल्डर्स ने इस घर के चारों ओर एक बड़ा सा कीचड़ का गड्ढा खोद डाला। इसके मालिक यांग को 2 साल तक यहाँ की सरकार द्वारा समझाया गया। 2012 में मिस्टर यांग को सरकार द्वारा दिया गया ऑफर पसंद नहीं आया और आसपास काम करने वाले बिल्डर्स ने इस घर की बिजली और पानी की सेवा को ठप कर दिया। मजबूरन मिस्टर यांग और उनकी पत्नी को ये घर छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन वो वापिस आए और आज भी इस घर में वो रहते हैं। पानी के लिए वो 1 किलोमीटर दूर नदी से पानी भर कर लाते हैं और बिजली की जगह वो आज सिर्फ मोमबत्तियां इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, चाइनीज मोटरवे। चाइना का मोटरवे 2 हिस्सों में बांटा गया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक घर के मालिक ने अपना घर बेचने से इनकार कर दिया। घर का मालिक, जिसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता, वो शैनहाई जिले के लुओ टुओ क्षेत्र में रहते हैं। अब इस मोटरवे से गुजरने वाले लोगों को इस घर के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता है और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक इस घर का मालिक कोई निर्णय नहीं करता। नंबर 2, मेसफील्ड। सिएटल शहर में एक बहुत बड़ा मॉल यहाँ बनाया गया जो आज यहाँ के लोगों में खूब प्रचलित है, लेकिन इस बिल्डिंग के बीचों बीच आपको एक हॉल यानी कि छोटा सा छेद देखने को मिलेगा। जब आप उस छेद के अंदर देखेंगे तो आपको एक छोटा सा घर दिखाई देगा और इस घर में एक 84 साल की बुजुर्ग महिला रहती थी। बहुत साल पहले जब बिल्डर्स अपने साथ बुलडोजर्स और पैसे लेकर बुजुर्ग महिला के पास पहुंचे, तो महिला ने पैसे लेने से मना कर दिया, जिसके बाद बिल्डर्स के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और उनको इस घर के चारों ओर मॉल बनाना पड़ा। मॉल बनाने के 1 साल बाद तक मॉल के मालिक से बुजुर्ग महिला की अच्छी दोस्ती हो गई और वो इंसान उनको घर का राशन फ्री में देने लगा। और जब 87 साल की उम्र में बुजुर्ग महिला इस दुनिया से गई, तो ये मकान भी मॉल के मालिक के नाम किया गया, लेकिन उन्होंने अभी तक इसे तोड़ा नहीं। नंबर 1, लुओ बाउजन। एक अकेला मकान एक हाईवे के बीचों बीच खड़ा है क्योंकि एक बुजुर्ग दंपति ने इसे बेचने से मना कर दिया। लुओ बाउजन और उनकी पत्नी, जो कि विनलैंड शहर चाइना में रहते हैं, उनके सामने और उनके आसपास रहने वाले सभी लोगों ने अपना घर हाईवे बनाने के लिए बेच दिया,
लेकिन ये दंपत्ति बेचने को तैयार नहीं हुआ और परिणाम स्वरूप बाकी घरों को तोड़ते हुए इस घर को भी काफी नुकसान हुआ। जिसके बाद भी इस जोड़े ने अपना इरादा नहीं बदला, क्योंकि उनको लगता था कि उनको मिलने वाले पैसे बहुत कम हैं। और अब पूरे हाईवे के बीचों बीच ये 5 मंजिला इमारत खड़ी रहती है और आने जाने वाले साधनों को इससे घूम कर जाना पड़ता है। तो गाइस आपने देखा घर मालिक जिद्दी कितने होते हैं, रोड के बीचों बीच या पुल के नीचे बीच में, बाप रे ऐसे जिद्दी लोग भी है दुनिया में। तो लास्ट वाला जो था, पूरे 5 लेन हाईवे के बीचों बीच एक दंपत्ति ने अपना मकान देने से इनकार कर दिया, वो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा शायद ही कभी आपने देखा होगा कि हाईवे के बीचों बीच कोई मकान है और उसे तोड़ा नहीं गया हो। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग 5 मकान मालिक थे जिन्होंने अपना मकान देने से इनकार कर दिया। आपको कैसा लगा ये वीडियो कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा है और ये कैसा कॉन्सेप्ट है हमारा होगा। अगर आपको इस वीडियो के अलावा और कोई वीडियो भी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की भी लिंक दी गई हुई है, तो आप हमें वहां DM जरूर कीजिएगा कि आप हमें इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो दो। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपका कमेंट या तो फिर आपका DM हमारे वीडियो में लगाएंगे कि हमें इस सब्सक्राइबर ने वीडियो का रिएक्शन देने का सुझाव दिया है। तो ये आपके पास सुनहरा मौका है वीडियो में आने का, तो ये मौका जरूर उठाइएगा, लाभ जरूर उठाइएगा। मिलते हैं कहीं और नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।